खालसा वाहेगुरु दी फतेह। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, विभिन्न सम्मानित संस्थाओं के चेयरमैन और प्रेसिडेंट, डिप्लोमेट्स, देश भर से जुड़े विशेष रूप से इस कार्यक्रम के साथ आए हुए बालक बालिकाएं, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है। जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दसवें गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतों न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने
उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता, और उस कट्टरता में अंधी, इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक ओर आतंक की पराकाष्ठा तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक ओर मजहबी उन्माद तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सबके बीच एक और लाखों की फौज और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। एक और नुसंस्था ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी तो दूसरी ओर धैर्य शौर्य पराक्रम के भी सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही है। भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण थूका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसके सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी? दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म
तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आततायी मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है।